हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ। ये न्यू सॉक्स हैं। ये सॉक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। और ये मैं आपको बच्चों का सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ। मैंने इसमें से 37 फंदे डाले हुए हैं और 37 फंदे डालने के बाद मैंने ये 5 सिलाई आगे से, 5 सिलाई है पीछे से, मतलब कि 10 सिलाई भी नहीं हुई है सीधी सीधी। और ये मेरी पट्टी बन चुकी है फ्रेंड। आपको सीधा 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 बिनना है 10 सिलाई तक, या आप जितना भी पट्टी चाहे उतना रखना ला। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे बता रही हूँ। अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे और एक फंदा सीधा बीच में छोड़ेंगे। अब मेरे ये 37 फंदे हैं तो मैं इनको डिवाइड करूँगी। 18 एक साइड रखूँगी, 18 एक साइड रखूँगी और एक फंदा बीच में रखूँगी। देखें किस तरीके से मैं रखती हूँ। मैं इसमें धागा चेंज करूँगी। पहला ये इस तरीके से मैं धागा लगाऊँगी। ब्लू धागा मेरा यहीं पे रहेगा, सिर्फ वाइट धागे को मैं आगे को बढ़ाते हुए जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने धागा लगा रखा है। अब मैं ये एक फंदा निकालूंगी ब्लू वाला और एक वाइट का बिनूंगी। इस तरीके से पूरी सिलाई में बिनते हुए जाऊंगी। धागे पे गांठ लगा लें नहीं तो धागा निकल जाएगा। इस तरीके से गांठ लगा दी है। अब मैं देखिए एक फंदा बिन रही हूँ और एक फंदा इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। एक फंदा बिना, एक फंदा निकाला, एक फंदा बिना, एक फंदा निकाला, एक फंदा बिना और एक फंदा निकाला, एक फंदा बिना, एक फंदा निकाला, एक फंदा बिना, एक फंदा निकाला और एक फंदा बिना, एक फंदा निकाला। सॉरी, अभी मैंने निकालना है। इस तरीके से हम पूरी, देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे हो गए ये हमारे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इस तरफ रख दी हैं और 18 इस तरफ रख दें। अब एक फंदा हमारा बीच में बचा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे उसे ध्यान से देखना। यही फंदे में हम 5 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए 1, फिर धागा आगे किया, 2 3, फिर धागा आगे किया, 4 5। ये देखिए हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं, 2 4 5 बढ़ गए। अब हम वही एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा निकाल लेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। इस तरीके से ये 18 फंदों को भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरी सिलाई इस तरीके से निकाल लेनी है, एक बिन के और एक बिना बिने। अब हमारी फ्रेंड सिलाई तो निकल चुकी है। अब ये सिर्फ 2 रो में ही ऐसा करते, 2 रो की ही बिनाई है ये। फिर इस तरीके से हम पूरी क्या करेंगे, ये इसको जो बिना है उसको बिनेंगे और जो नहीं बिना है उसको ऐसे ही निकाल लेंगे। इस तरीके से जो हमने बिना है उसको हम बिनेंगे और जो नहीं बिना है उसको हम नहीं बिनेंगे। ब्लू वाले को निकाल लेंगे ऐसे ही और वाइट वाले को बिनेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसी करनी है, बैक साइड से भी। देखो ये ब्लू को निकालेंगे, ये 5 फंदे जो बढ़ा रखे हैं उनको भी हम उल्टा उल्टा इस तरीके से बिन लेंगे। ये देखिए देखिए अब हम 2 सिलाई हमने बिन ली है,
दो सिलाई इस तरीके से बिन ली है। अब हम पूरी सिलाई ब्लू से बिनेंगे। अब दो सिलाई बिनने के बाद थर्ड सिलाई हम पूरी ब्लू से बिनेंगे, बैक साइड से भी, फ्रंट साइड से भी, आगे से सीधा सीधा बिनेंगे और पीछे से उल्टा उल्टा बिनेंगे इस तरीके से। इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी न सॉरी सीधी सीधी निकाल लेनी है। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकल गई है। अब हम बैक साइड से भी इसको, आगे से हमने सीधा सीधा निकाल लिया है और बैक साइड से हम उल्टा उल्टा निकाल लेंगे इस तरीके से, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने पूरी सिलाई, दो सिलाई ये वाइट और रेड से निकाल ब्लू से निकाल ली, फिर हमने पूरी सिलाई उल्टी और सीधी ब्लू से निकाल ली। अब हम रिपीट वही जो हमने यहाँ पे वाइट और रेड ब्लू लगाया था तो उसी को करेंगे और यहाँ पे फिर फाइव फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको आगे बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड हमने इतना सा बना के रेडी कर दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फ्लावर बना दिए हैं। इसमें मेरे चार चार फंदे बड़े हैं हर सिलाई में, देखिए चार चार फंदे बड़े हुए हैं। और अब मैं मेरे इतने इसमें 28 फंदे बढ़ चुके हैं और मैंने 37 फंदे डाले थे। अब मैं इसमें बताऊंगी किस तरीके से हम नीचे का पार्ट बनाएंगे एड़ी का, अब वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं यहाँ से 28 फंदे निकाल लूँगी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस, देखिए ये मैंने इस तरीके से फंदे निकालने हैं। छब्बीस कितने, 26 फंदे निकाल लिए हैं। अब इस तरीके से यहाँ से भी मैं दोनों तरफ से बराबर निकालूंगी, 10 फंदे बीच में रखूंगी। देखिए किस तरीके से करती हूँ, ये फंदे निकाल लिए। अब मेरे ये 11 फंदे बीच में हैं, देखिए 11 फंदे में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब मैंने ये 11 फंदे निकाल दिए। अब मैं इधर से ही यहाँ को नहीं बुनूंगी, इधर से ही रिपीट करूँगी, देखिए इस तरीके से। अब मैं एक फंदा यहाँ से लूँगी और इन दो का एक कर दूँगी इस तरीके से, मैंने इन दो का एक कर दिया है। फिर मैं वही 11 फंदे रिपीट करूँगी, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे रिपीट करें। अब मैं यहाँ से इसको इस तरीके से पलट दूँगी और यहाँ से एक फंदा लूँगी इस तरीके से, इसको सीधा करूँगी ऐसे और
इस तरीके से यहाँ से फंदा लेने के बाद अभी इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये 11 फंदे मैंने यहाँ से बिन लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से एक यहाँ से लूँगी और एक इधर से, ये 10 फंदे बिनने के बाद 11 फंदे में इस तरीके से करूँगी। फिर मैं रिपीट करूँगी, इस तरीके से घुमाऊँगी, ये घुमा दिया, और ये फंदे को मैं इस तरीके से सीधा निकालूँगी, और फिर ये जो सारे फंदे हैं इनको उल्टे बुनूँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर रिपीट, ये जो ये फंदा है इसको हम इस तरीके से घुमा के यहाँ से इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, ये हो गया 11। फिर इधर से घुमा देंगे इसको इस तरीके से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इधर से एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, ये 11 इस तरीके से कर देंगे। फ्रेंड, इसको मैं आपको थोड़ा आगे बना के फिर दिखाऊंगी। इस तरीके से हमारी ये एड़ी बन रही है। देखिए फ्रेंड, मैंने इतना सा बना लिया है। अब मैंने इतना सा पूरा रेडी कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने ये एड़ी बनाने के बाद अब मेरे 4 फंदे इस तरफ से, 4 फंदे इस तरफ से बचे हैं। अब मैं इसको इस तरीके से इनको भी कम करूँगी, पर इनका ये देखिए ये उल्टा है, इसको सीधा करूँगी और यहाँ से इसको उल्टा उल्टा बिनूँगी, इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनूँगी, इस तरीके से। हम अभी तक यहाँ से एक फंदा ले रहे थे, अब मैं यहाँ से 3 फंदे लूँगी, इस तरीके से 3, 2 यहाँ से लूँगी, 1 यहाँ से लूँगी, इस तरीके से 3 फंदे लूँगी और 3 को 1 करूँगी, इस तरीके से करूँगी, और फिर इसको घुमाऊँगी इस तरीके से, फिर पूरा उल्टा उल्टा बिनने के बाद यहाँ से भी मैं इसी तरीके से करूँगी। यहाँ से भी मैं 3 फंदे साथ लूँगी, 2 फंदे एड़ी के लूँगी और 1 फंदा उस तरफ से लूँगी। ये देखिए, यहाँ से भी मैंने इस तरीके से इनको कम कर दूँगी, फिर घुमाऊँगी, ये फंदे को सीधा करूँगी इस तरीके से, फिर पूरा उल्टा उल्टा बिन लूँगी, इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लूँगी। अभी तक मैं एक एक कम कर रही थी, अब मैं इसमें 2-2 कम करूँगी और इस तरफ से करूँगी। ये देखिए, इन 3 को इस तरीके से 3 फंदे कम करूँगी, फिर यहाँ से इसी तरीके से घुमाऊँगी। ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पे 4 थे, अब 2 हो गए हैं। अब 2, 3, 4, 5, 6, अभी तक हमारे यहाँ पे 10 फंदे थे, अब ये 6 फंदे बचे इस तरीके से, फिर यहीं से घुमाना है। जब तक एक फंदा ना रहे तब तक हमको ये कम करते हुए जाना है, इस तरीके से उल्टा उल्टा बिना। अभी तक हम इस तरीके देखिए, 2 इस तरफ के हो गए और 1 इस तरफ से हो गया। इन 3 फंदों को एक साथ लेना है, इन 3 फंदों का 1 फंदा करना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमारी एड़ी बन के आएगी आगे से। ये देखिए, मैंने 3 फंदे एक कर दिए, फिर यहीं से मैं घुमाऊंगी और उल्टा उल्टा बिनते जाऊंगी इस तरीके से। और इन ये देखिए, 2 यहाँ से लिए, 1 यहाँ से लिया, ये देखिए, और ये अब एक एक बचे, यहीं से घुमाऊंगी और इसको सीधा करूंगी और इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से भी इस, अब यहाँ पे एक ही बचा है, इस हम 3 को ही 1 कर लेंगे इस तरीके से। 3 को 1 कर दिया, अब उल्टा ऐसे लिया, उल्टे में उल्टा बिनते गए, सुलटे में भी उल्टा ही बिनना है इस तरीके से। ये देखिए, इन 3 फंदों को भी 1 किया। अब हमारे पास बचे
तीन फंदे। अब इन तीन फंदों को भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक किया। अब हम यहाँ से धागा तोड़ेंगे, काटेंगे, कैंची से कट करेंगे या आप जो भी, ये देखिए। और ये वाइट धागा तो हमें पहले ही हटा देना है, इसका काम हमारा कुछ नहीं था। इस तरीके से हटा दिया हमने। और ये जो है यहाँ पे, यहाँ पे हम इस डोरी को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से इस फंदे को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी एड़ी बन चुकी है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा सॉक्स। और अब मैं आपको इसको कैसे सिलते हैं वो बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे उल्टा करना है। अब देखिए फ्रेंड, हमें इस तरीके से मैंने वो जो धागा बचा था उस पर सुई डाल दी है। अब मैं इनके इस तरीके से इसको सिल लूँगी, इस तरीके से इसके सीधे सीधे भाग को उठाऊँगी। इस तरीके से ये जो ये दिख रहा है इसको उठाऊँगी दोनों साइड से इस तरीके से, और इसको पूरा सिल दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरा सॉक्स सिल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरा सॉक्स सिल लेंगे। इस तरीके से मैंने ये पूरा सॉक्स सिल लिया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से सॉक दिखता है। ये मैंने एक छोटे से बच्चे के बना रखा है, एक साल दो साल के बच्चे के लिए ये आराम से आ सकता है। और मैंने ये, मेरे पास दो साल का बच्चा है इसलिए मैंने ये रेडी किया हुआ है। और फ्रेंड, आप भी इस तरीके से रेडी कर सकते हैं और मेरी वीडियो देख के आप पूरा सॉक्स बना सकते हैं। फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।